इसमें बहुत कुछ कमियां है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, मतलब उनका ज़्यादा रोल है ही नहीं। जिन्होंने फॉरेस्ट गम्स नहीं देखी है शायद उनको पसंद आ जाए, बट जिन्होंने देखी हो ना वो कंपेयर करने लग जाएगी, जैसे क्लास ऑडियंस की भीड़ लग जाएगी लेकिन मास ऑडियंस की भीड़ नहीं लगी, मास ऑडियंस सिर्फ रक्षाबंधन देखने जाएगी। अच्छा। नहीं, चार साल बाद आमिर खान सर आए हैं बट वो ब्लास्ट लेके नहीं आए, वो बैंग लेके नहीं आए, बोले ना भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, यहाँ पे अभी भी देर है, यहाँ पे अभी सच में देर है, वो हमें वो परफॉर्मेंस मिला ही नहीं है। आपको जाना है तो जाओ, वन टाइम वॉच है, वन टाइम वॉच देख लो, बट जहाँ तक मैं जानती हूँ मास ऑडियंस को पसंद नहीं आएगी। हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वर्ल्ड में आपका स्वागत है, मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों लाल सिंह चड्ढा, जी हाँ दोस्तों, बड़े स्क्रीन में रिलीज हो गई है दोस्तों आमिर खान और करीना कपूर की ये मूवी। जी हाँ दोस्तों, और इसकी अच्छी खासी रिस्पांस भी आ रही है, मतलब मिक्स रिस्पांस आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है पॉजिटिव भी आ रही है। लेकिन दोस्तों हमारे साथ जुड़ने जा रही है हमारी एक्सपर्ट, बोले तो आपकी एक्सपर्ट प्रियंका जी। तो प्रियंका जी आप इधर आओ। फाइनली जाके आपने लाल सिंह चड्ढा आमिर खान स्टार आपने मूवी देख लिया है, चलिए आपसे जानते हैं कि आपको किस खास तरीके से लाल सिंह चड्ढा मूवी पसंद आई, आप हमें ऑडियंस को ज़रूर बताएं आप अपना रिएक्शन। तो कैसी लगी जी प्रियंका जी लाल सिंह चड्ढा आमिर खान चार साल के बाद? मैं यही सोच रही हूँ कि मैं क्या देख के निकली हूँ। तीन दिन पहले मैंने फॉरेस्ट गम्स मूवी देखी, बिकॉज लोगों के बहुत कमेंट्स में आते थे दूसरे वीडियोज़ में एंड काफ़ी सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कि ये फॉरेस्ट गम्स की कॉपी है, ये है वो है, तो मतलब मुझे बात हजम नहीं हो रही। मैंने कहा कि आमिर सर कभी कॉपी तो नहीं करते, हमेशा ओरिजिनली लाते। तो इस बार मैंने वो मूवी देखी फॉरेस्ट गम्स, मैंने परसों रात में वो मूवी देखी और अभी मैं 4:30 बजे का शो बैंड्रा के लेर PVR में देख कर आ रही हूँ। ऑनेस्टली सच में आमिर सर ने हमें झूठा साबित कर दिया है, वो एक उसकी ही कॉपी की है। मैं ऐसे बोलूँ कि वो हॉलीवुड की फॉरेस्ट गम्स है, ये देसी फॉरेस्ट गम्स बोल दो इसको, ऑलमोस्ट पूरा कॉपी किया है, बस 25% चेंज किया है उसमें, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जैसे कि उसमें कोई एक नाव रहती है, इसमें उन्होंने खुद की स्विंग मशीन खोली है एंड नाम चेंजेस किए हैं एंड उनके फ्रेंड्स का भी ऐसे कुछ पार्ट्स दिखाया है उसमें, दिखाया था उनके फ्रेंड का कुछ मर जाता है, इसमें वो फ्रेंड अपना कुछ अलग कुछ स्टार्ट करते, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसा हो कि 25% उन्होंने चेंज किया है, बट ओवरऑल मैं बोलूँ ना ये मूवी कैचअप नहीं कर पा रही है, स्टोरी लाइन बहुत कमज़ोर है, लोगों को बोर कर देगी, खासकर हमारी मास ऑडियंस को। ये मूवी सिर्फ क्लास ऑडियंस को पसंद आएगी, मास ऑडियंस को नहीं। मास ऑडियंस को विक्रांत रोना जैसी मूवी पसंद नहीं आई, लाल सिंह चड्ढा कैसे पसंद आएगी उनको? वो नहीं, उनको वो एक्शन मूवी नहीं पसंद आई, वो थ्रिलर पसंद नहीं है, तो ये उनको स्टोरी पसंद आएगी? इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना मार धाड़ है, ना एक्शन है, ना मसाला है, कुछ भी नहीं, ना ट्विस्ट एंड टर्न है, बस मूवी चले जा रही, हम ऐसे बैठे 3 घंटा कि कब मूवी ख़त्म होगी, ऐसा हाल हो गया था। आमिर सर के परफॉर्मेंस में ऑनेस्टली बोले तो मुझे PK में ज़्यादा पसंद आई थी, इसमें भी अच्छी है बट वाव नहीं है, मैं ऐसे बोल कि उन्होंने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिया है, उन्होंने कोशिश की है, मेहनत की है उन्होंने, बट PK में इससे ज़्यादा मेहनत दिखी थी मुझे। करीना कपूर के बारे में क्या कहेगा? करीना कपूर मैम को मैं बोलूँगी कि जो फॉरेस्ट गम्स में जो जेनी नाम की जो थी, जिन्होंने किरदार निभाया था, जिनका नाम जेनी था, उनका और इसका मैं कंपेयर करूँ तो फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है। तो यहाँ पे मैं बोलूँ ना कि करीना कपूर मैम जो पहले परफॉर्मेंस देती थी ना वो इसमें नहीं है, मतलब इसमें बहुत कुछ कमियाँ है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, मतलब उनका ज़्यादा रोल है ही नहीं, बस आमिर खान सर उनके पीछे पड़े हैं, 4-5 बार प्रपोज कर चुके हैं लेकिन वो उनको ठुकराती रहती है, बस यही चल रहा है। बाद में एंड में फिर उनके पास जाते हैं, फॉरेस्ट गम्स में है, एंड में उनके पास चले जाते हैं। मूवी में सुपरस्टार हमारे साउथ के नागा चैतन्य सर, उनका क्या काम लगा इस काम का? उनका मैं बोलूँ तो वो कैमियो ही समझो, छोटे से रोल के लिए आए थे, मुझे लगा एंड तक रहेगा एक दोस्त उनका रहेगा, बट ऐसा नहीं था, वो छोटे से रोल के लिए आए थे एंड आके उनका रोल ख़त्म भी कर दिया। सॉन्ग्स किस मूवी का, अगर सॉन्ग्स की बात करें तो मैं सॉन्ग्स वो ऐसा था ना कि बैकग्राउंड में चल रहे थे, टिपिकल वो सॉन्ग है ना वो जैसे उनका परफॉर्मेंस होता है सॉन्ग में, वैसा कुछ नहीं था, बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहा है, मूवी चल रही है, मतलब सीन्स चल रहे हैं बैकग्राउंड में चल रहा है, वैसा मूवी वैसा चल। आपकी मूवी मतलब कोई खास नहीं लगी आपको? मुझे मूवी खास नहीं। मूवी के हम बेस्ट पार्ट की बात करें, कौन सा ऐसा कोई बेस्ट पार्ट? कोई बेस्ट पार्ट था ही नहीं, बेस्ट पार्ट वाज इंटरवल, मैं बोलूं बस मुझे इंटरवल अच्छा लगा, इंटरवल आ गया क्योंकि मूवी ना वो कैचअप नहीं कर पा रही। चलो हम तो मूवीज देखते हैं, क्लास ऑडियंस की मूवीज भी हम देखते हैं, मास ऑडियंस की देखते हैं, हमें चलो बोले तो वन टाइम वॉच आप देख लो। जिन्होंने फॉरेस्ट गम्स नहीं देखी है शायद उनको पसंद आ जाए, बट जिन्होंने देखी हो ना वो कंपेयर करने लग जाएगा, जैसे कि मैंने देखी हूँ तो मैंने कुछ कुछ सीन्स कंपेयर किया,
इनफैक्ट मैं अकेले देखने गई, पर मैं ऐसे देख के बोल रही थी कि अरे उसमें तो ऐसा था, इसमें ऐसा, अच्छा अच्छा इसमें ऐसा चेंज किया। मैं खुद से ही बातें कर रही थी, स्टोरी भी बता रही थी खुद को ही मैं स्टोरी बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैं मतलब मेरे को बस हो रहा है कि यार ये मूवी ना कैचअप नहीं कर पा रही है। क्लास ऑडियंस की भीड़ लग जाएगी, लेकिन मास ऑडियंस की भीड़ नहीं लगी। मास ऑडियंस सिर्फ रक्षाबंधन देखने जाएगी। एंड ये मूवी मैं बोलूँ ना, सिर्फ ये वीकेंड चलेगी, मंडे से स्लो हो जाएगी। लास्ट एंड चड्डा नहीं चलेगी। चार साल बाद आमिर खान सर आए हैं, बट वो ब्लास्ट लेके नहीं आए, वो बैंग लेके नहीं आए। मतलब चार साल बाद आए लेकिन देर आए दुरुस्त नहीं आए। वही ना, देर आए दुरुस्त नहीं, ऐसा बोले ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। यहाँ पे अभी भी देर है, यहाँ पे अभी सच में देर है। वो हमें वो परफॉर्मेंस मिला ही नहीं है। मतलब चलो आमिर खान सर ने हद तक अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बट वाओ नहीं बोल सकते। एंड बोले ना कि थोड़ा और लोग ना चलो अपने कुछ ओरिजिनल कुछ बना लेते थे या कुछ अलग कुछ लाते थे ना, तो हम बोल सकते थे। उन्होंने फॉरेस्ट होम्स की कॉपी की सिर्फ 25% उन्होंने चेंज कर दिया। एंड क्लाइमैक्स भी उनका सेम टू सेम ही था, जो उसमें था वो इसमें थे। कुछ मतलब कुछ नया देखने का, मतलब ऐसा बोलते ना कि यार ये वाओ क्या सीन है, ऐसा हम बोल ही नहीं पाए। ऑडियंस को मैं बोलूँगी कि देखो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगी कि मत जाओ, आपकी मर्जी है, आपको जाना है तो जाओ। हालांकि मैं इस मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड थी, आपने देखे होंगे मेरे पहले की वीडियोस में, बहुत एक्साइटेड थी कि आमिर सर चार साल बाद आ रहे हैं, बहुत एक्साइटेड थी। बट जैसे हम गए, जैसे मैं गई मूवी देखने के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि हम क्या देख रहे हैं। तो मैं ओवरऑल इस मूवी को मैं बोलूँगी कि आपकी मर्जी है, आपको अगर ऐसा लगता है कि आप थोड़ी मतलब बोलते ना कि मास बोलते ना क्या बोलते एक्शन स्क्रीन प्ले वाली मूवी अगर आपको नहीं देखनी, मास मसाला वाली सिंपल स्टोरी देखनी हो तो आप जाके देख सकते हो, बाकी नहीं देखनी है तो मत देखो। बट कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे रिव्यूज़ देख के आप गए और फिर आप हमें ही बोलो कि आपके बोलने पे हम चले गए। हम ऐसा नहीं करेंगे, आपकी मर्जी है, आपको जाना है तो जाओ। वन टाइम वॉच है, वन टाइम वॉच देख लो, बट जहाँ तक मैं जानती हूँ मास ऑडियंस कोई पसंद नहीं आएगी। चलिए लास्ट में इस मूवी को रेटिंग करना हो तो आप कितने रेटिंग करोगे? 2.5 बाकी का स्टार क्यों काट रही हूँ मैडम? क्योंकि पहली बात तो ये ओरिजिनल से मतलब ओरिजिनल नहीं है, फॉरेस्ट गंप की कॉपी है, उसके लिए मैं एक स्टार काट रही हूँ। सेकंड स्टार काट रही हूँ करीना कपूर मैम के लिए, मुझे उनका नहीं कुछ पसंद आया। मतलब इतने टाइम के बाद वो आए, लेकिन मतलब गुड न्यूज़ में उनका काम कैसा था, और इसमें देखो काफ़ी हद तक उनका परफॉर्मेंस मुझे ना उसमें ज़्यादा अच्छा था। इसमें मुझे नहीं कुछ खास लगा, मतलब मुझे कुछ मज़ा ही नहीं आया उनको देख के। एंड तीसरा मैं बोलूँ कि इसमें ना इसको और बेहतर बना सकते थे कुछ ओरिजिनलिटी के साथ। मूवी का रन टाइम भी बहुत ज़्यादा ही है। 3 घंटा भाई, 3 घंटा कौन बैठेगा? इसको थोड़ा सीन चलो कॉपी किया तो थोड़े सीन्स काट लो ना, एग्जैक्ट फ्रेम टू फ्रेम कॉपी और 25% हमने बीच में चेंज कर दिया, कोई सेंस नहीं बनता है। हॉलीवुड टाइप की मूवीज लोग देख लेंगे 3 घंटा, वो भी है कि 3 घंटा नहीं था हॉलीवुड फॉरेस्ट गंप से कुछ 2 घंटा 22 मिनट की है इन्होंने। नहीं नहीं 2 घंटे 22 मिनट की मैंने देखी, 2 घंटे 22 मिनट की है और ये 2 hours 45 minutes मतलब इंटरवल को मिला के नहीं 2 hours 45 minutes है ये इसका रन टाइम, और ऊपर से इंटरवल को मिला के 3 घंटा तो पकड़ ही लो। मतलब इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए हमें, ऐसा मतलब ऐसा चाहिए कि दरवाजा खोलो हमें बाहर निकलना है, ऐसा हो जाएगा मास ऑडियंस का। मैं तो बोलूँ मास ऑडियंस इंटरवल के बाद भी भाग जाएगी, उनको नहीं पसंद आएगी, मास ऑडियंस को नहीं पसंद आएगी, बाकी क्लास ऑडियंस को पसंद आ जाएगी, बिकॉज वो लोग ऐसी मूवीज देखते हैं सिंपल स्टोरीज देखना। तो गाइज मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर आपने ये मूवी देखी है या नहीं देखी, अगर आपने वो देखी है आपको कितनी पसंद है आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप जाने वाले हो या नहीं आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको क्या लगता है ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में मतलब बॉक्स ऑफिस पे मतलब कमा पाएगी कि नहीं? बिकॉज इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा था, रक्षाबंधन से ज़्यादा इसका इंटरेस्ट था। तो क्या लगता है आपको कि ये चलेगा या बीच में स्लो हो जाएगी मंडे से? आपकी क्या मतलब आपके क्या ओपिनियंस है, क्या आपको लगता है आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ, आपकी अपनी मर्जी है, आपको जाना है तो आप जा सकते हो, बाकी कुछ नहीं, ऑल मतलब चॉइस इज़ योर्स। एंड अगर मेरा वाला वीडियो पसंद है, मेरा रिएक्शन पसंद है, मेरा कंटेंट पसंद है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिए, एंड बेल आइकन भी ज़रूर दबाना। तब तक के लिए देखते रहिए बॉलीवुड मैटरनी वर्ल्ड।